नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। कुठल्याही प्रकारचं रिस्ट्रिक्शन राहणार नाही अशा प्रकारे जो काश्मीरचा मुद्दा आहे त्याचं परमनंट सोल्युशन हे मोदीजी काढतायत आणि त्याला काँग्रेस विरोध करते आहे हे त्यांना सहन झालं नाही। आणि जेव्हा त्यांनी पत्र पाठवलं आम्हाला माहिती नव्हतं, आमच्या कुठल्या संपर्कातही ते आले नव्हते। ज्यावेळी अशा प्रकारचं पत्र त्यांनी पाठवलं त्यानंतर मला ज्यावेळेस ते पत्र पाहायला मिळालं मग मी त्यांना संपर्क केला। मी म्हटलं कृपाजी क्या आपके मन में, बोलले नाही मैं तो काँग्रेस में हूं लेकिन अगर काँग्रेस 370 का समर्थन नहीं करती है तो मैं यहां नहीं रह सकता, ये मैंने तय कर लिया। आणि त्यानंतर त्यांनी दुसरं पत्र पाठवलं आणि काँग्रेसचा त्याग केला। त्याग केल्यानंतर ते भारतीय जनता पक्षात आले नाही, ते 370 वर जनजागृती करत 6 महिने फिरले। आणि त्यानंतर आज जवळजवळ मला असं वाटतं काँग्रेसचा राजीनामा देऊन कृपाजी आपको किती महिने हो गए, 21 महिने म्हणजे जवळजवळ 2 वर्ष झाले। आज त्यांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला। म्हणून मी सांगितलं काँग्रेस पक्षातून भाजप पक्षात प्रवेश नाहीये, एक विचार त्यागून हा जो राष्ट्रीयतेचा विचार आहे, राष्ट्रवादाचा विचार आहे, या विचारामध्ये हा प्रवेश त्यांनी घेतलेला आहे। आणि म्हणून मी त्यांचं अतिशय मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो, अभिनंदन। आणि अशातच ही सगळी ताकद वाढवण्याच्या दृष्टीनं वेगवेगळे मंडळी ही भाजपमध्ये प्रवेश करतायत। सन्माननीय कृपाशंकर सिंग साहेबांचा प्रवेश या ठिकाणी असाच महत्वाचा आहे, कारण कृपाशंकर सिंग यांनी घेतलेला प्रवेश हा एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश नाहीये, एक विचारधारा सोडून दुसऱ्या विचारधारेत केलेला प्रवेश। कृपाशंकर सिंग यांनी वर्षानुवर्ष काँग्रेसची विचारधारा त्या ठिकाणी त्यांच्याकडे होती आणि त्या विचारधारेने त्यांनी प्रामाणिकपणे काँग्रेसमध्ये काम केलं। परंतु ज्यावेळी हा 370 मुद्दा आला त्यावेळी त्यांची राष्ट्रीयता जागृत झाली आणि माझा देश एक संघ होत असताना माझ्या देशामध्ये काश्मीरचं संपूर्ण अनकंडिशनल म्हणजे काश्मीर तर भारताचंच आहे। दादाजी को और उन सभी लोगों में प्रणाम करता हूं और मैं आभारी हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्वीकार किया। मैंने कोई मेहरबानी नहीं की है, आपके विचार मेरी विचारधारा को समझ करके, मेरी राष्ट्रीयता को समझ करके आपने मुझे स्वीकार किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मराठी मध्ये बोलता नहीं, दादा मी पूर्वी इथे मला भैया नहीं है सगळे बोलत होते। मी एकदा बोललो की हिंदी माझी आई, मराठी माझी मावशी। आईने मला जन्म दिला, मावशीकडे सगळे मिळत असताना मराठी मध्ये म्हणायची आई मरू मावशी जाऊ, पण कोणी मरू नये, आई जगली पाहिजे ना मावशी जगलीच पाहिजे। जसा कृपाशंकर ह्या महाराष्ट्राने नोकरीमध्ये काम करत असताना किंवा आज एवढे मला वाटते जगामध्ये सर्व पक्षाचे मोठा पक्ष भारतीय जनता पार्टीचे जे नेतृत्व नरेंद्र मोदीजी करतात असा पक्षामध्ये कृपाशंकर प्रवेश करतात। मी एवढंच सांगेल दादा, एक विश्वास आप मेरे ऊपर करिए, अगला विश्वास मैं आपका जीत करके रखूंगा और मुझे जो भी पार्टी का आदेश होगा मैं पार्टी का आदेश के हिसाब से काम करता रहूंगा। मैं इससे ज्यादा आज और कुछ नहीं बोलना है क्योंकि कई कार्यक्रम है। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं और हमारे पत्रकार मित्रों को कि समय समय बड़ा सहयोग किया है मेरे राजनीतिक जीवन में और कल से बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्रों ने लिखा भी है, बहुत सारे उत्सुक थे कि बताओ क्या कारण था। कारण स्पष्ट था कि मैं 20 महीने 21 महीने जो भी साल गुजर, मैंने कभी ये नहीं कहा कि अरे मेरा कब होगा, मैं कब ज्वाइन करूंगा। मुझे मालूम था कि तुलसीदास जी ने रामायण में कुछ नहीं छोड़ा है, उन्होंने सब कुछ लिख डाला है। एक लाइन उसमें है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर रखिए जाए, तो धीरज जो धैर्य था मैंने कभी खोया नहीं और इमरजेंसी में उसकी पहचान होती थी। फिर से आज के दिन एक चीज मैं और कहूँ, यहाँ उत्तर भारत के कई लोगों को सगरे पता चला जगह का मैं कोरोना काल है, उसके नियमों का पालन करना है। आप लोग मेहरबानी करके मत आइए, बोले आप गाय बुला रहे हो, हम जाएंगे वहाँ, जगह नहीं होगी हम रहेंगे। बहुत सारे लोग सवेरे से फोन जब रात को पता चला
उन सबका मैं आभारी हूँ। अभी तो ये शुरुआत है, दादा ये तो अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आपके विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा, मैं इतने कह सकता हूँ कि आने वाले समय चाहे मुंबई महानगर पालिका हो चाहे जो भी हो, ये उत्तर भारतीय समाज अगर पूरी तरह से आपके साथ समर्थन देने के लिए खड़ा नहीं हुआ तो मेरा आज का श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान जो दिवस मना रहा है उसका स्मरण करते हुए मैं विश्वास दिलाता हूँ उन सारे लोग पता चल जाएगा क्या होने वाला है और क्या होगा इसका परिणाम आने वाला पता चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराज। जय भाजपा।